आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोटा से बड़ी खबर, आज से चंबल के पानी में आरोपी टीचर की तलाश की जाएगी, गौरव की तलाश यहां पर की जाएगी। निगम की गोताखोरों की टीम चंबल की नहरों में अब उसे तलाशेगी। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब अभी तक भी कोचिंग टीचर का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। आपको बता दें कि पाटन इलाके में लावारिस हालत में स्कूटी मिली थी, चंबल नदी में मौत की आशंका को देखते हुए उसकी तलाशी यहां पर की जाएगी। 15 वर्षीय छात्रा की हत्या कर ये आरोपी कोचिंग टीचर फरार हुआ था, इसके बाद से ही लगातार उसे तलाशा जा रहा है, लेकिन कोई भी सुराग इस शख्स का नहीं मिला है। तो कोटा में छात्रा की मौत के आरोपी, हत्या के आरोपी टीचर को लगातार तलाशा जा रहा है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं अब गौरव जैन जो कि आरोपी टीचर है उसे चंबल में तलाशा जाएगा। केके सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। केके, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोई सुराग अभी तक जो है पुलिस के पास नहीं है, अब क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि गौरव जैन को पकड़ा जा सके, और चंबल नदी में तलाशने का क्या मतलब है? देखिए सुमित, घटना को 8 दिन हो चुके हैं, पिछले बीते रविवार की घटना थी, और लगातार पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी आरोपी जो टीचर, ट्यूशन टीचर था गौरव जैन, उसकी गिरफ्तारी नहीं पाई है। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। अभी तक सिर्फ एक स्कूटी बस की बरामद हुई थी जो केशवगढ़ इलाके से हुई थी। दूसरी बात आपको बता दूं सुमित कि अब जो प्रशासन है उसने निर्णय लिया है कि चंबल सहित जो तमाम नहरें हैं उनके अंदर भी इसका सर्च ऑपरेशन चला जाएगा, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि गौरव या किसी हादसे का शिकार हो सकता है या खुदकुशी भी वो कर सकता है, क्योंकि पुलिस की जो 29 टीम है वो तमाम प्रयास कर चुकी है, चाहे पोस्टर्स छपवाने से लेकर और तमाम धार्मिक स्थलों के सर्च ऑपरेशन से लेकर के तमाम प्रयास जो है पुलिस के लगातार जारी है। लेकिन कोटा का जो इलाका है वो उसके सराउंडिंग्स में नदी नाले नहर और नदियां बहुत है। चंबल नदी जो यहाँ से लेकर धौलपुर तक का रूट तय करती है, तो ऐसे में जिस जगह इसकी स्कूटी मिली थी केशवरापाटन, वहां पर भी नहरों की एक ब्रांच है जो एमपी तक भी पहुंचती है। तो ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि जब कोई आरोपी हड़बड़ी करता है, अपराध करके भागता है, तो कहीं हो सकता है गौरव भी उस हड़बड़ाहट में कोई गलती कर बैठा हो, कोई हादसे के शिकार हो गया हो। तो ऐसे में पुलिस एक बार नहरों के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि यहाँ जो नदियां हैं, नहरें हैं, वो उनमें चट्टाने इलाके आ, देखिए कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जब शव जो है वो काफी दिनों बाद पुलिस को बरामद हुआ है, क्योंकि चट्टानों के अंदर अक्सर शव फंस जाता है। तो ऐसे में पुलिस ये इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अगर गौरव किसी हादसे का शिकार हुआ हो तो कहीं वो किसी नदी नाले में के अंदर इस तरीके से किसी अवस्था में हो, तो वो एक पुलिस का एंगल है कि इस प्रयास ये प्रयास है कि गौरव ने कहीं सुसाइड नहीं कर लिया हो या किसी हादसे का शिकार हो गया हो। तो इस एंगल को देखते हुए पुलिस अब सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाने वाली है, नदियों के अंदर सर्च ऑपरेशन चला जाएगा, खासकर जो चंबल से जुड़े इलाके हैं उन तमाम इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाने वाला है गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए के। तो आगे आप जो गौरव जैन को तलाशी अभियान चलाया जाएगा उसे तलाशने के लिए वो चंबल नदी में चलाया जाएगा।